दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे जीवी व्हाट्सएप में चैट में लैंग्वेज कैसे चेंज करें या फिर चैट का लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जीवी व्हाट्सएप ऐप को ओपन करते हैं, ठीक है ना। और जिस भी चैट में लैंग्वेज चेंज करना है उसके लिए क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो दो तरीके से आप इस वीडियो को ले सकते हैं, ठीक है ना। दो टॉपिक को भी कवर करेंगे। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है हेलो, तो क्या करें, जो भी चीज़ आपको समझना है, जो भी चैट या जो भी टेक्स्ट आया है उसको समझना है, तो उस पर लॉन्ग प्रेस करिएगा और इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ट्रिपल डॉट ऊपर देगा कोने में, इस पर क्लिक करना है। देन आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन देता है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज दिए होंगे, हिंदी भी दिए होंगे, उर्दू, कई सारे लैंग्वेज दिए हैं और अरबी भी है। जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप जानना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हिंदी पे क्लिक किया, हिंदी पे क्लिक करने के बाद देखिए नहीं क्लिक हुआ, इसको सबसे पहले से क्लिक किया और ट्रांसलेट और हिंदी, हाँ तो देखिए ये आ गया ट्रांसलेट करके हेलो, ठीक है ना। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसको ले आके यहाँ पर पेस्ट करके सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको लैंग्वेज चेंज करना है, यानी आज से मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, मेरा नाम राजू है, ठीक है ना। ये तो मैंने भेज दिया, ये तो एक इंग्लिश तरीका है जिससे हम चैटिंग कर रहे हैं, इंग्लिश करके, इंग्लिश में टाइपिंग करके भेज रहे हैं। अगर यही चीज़ हमको हिंदी में भेजना है तो इसके लिए ये दिया है आपका, सॉरी ये दे रहा है, इसके बगल में देखिए हिंदी का ऑप्शन दे रहा है हमारे व्हाट्सएप में, ठीक है ना। मेरा नाम, ठीक है, राजू है, ठीक है ना, ये मैंने हिंदी में भेज दिया लिख के, ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्या होता है ना, कई बार हमको उधर से मैसेज आता है, चैट आता है और हमको नहीं मालूम चलता है वो बंदा क्या भेज रहा है, ठीक है ना। तो पहले तरीके से आप तो उस पर क्लिक करके यहाँ पर जाके उसको ट्रांसलेट में पढ़ लीजिए और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, आप अपने भाषा में यहाँ लिख के भेज सकते हैं और वो भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकता है। अब अगर मान लीजिए इस आपको जीबी व्हाट्सएप का नया वर्जन चाहिए, सॉरी अगर कोई और लैंग्वेज चाहिए, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सॉरी यहाँ से गायब हो जा रहा है, सॉरी यहाँ पर जब लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर देखिएगा ओ के बगल में यहाँ सेटिंग का आइकन दे रहा है और यहाँ पर एक भाषा लिखा है, इस पर क्लिक करके आप अदर लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मराठी में मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर मराठी भी क्लिक किया, मेरा नाम जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मेरा नाम राजू है, ठीक है, इस तरह। तो ये भी एक लैंग्वेज है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो वैसे हम लोग जनरली हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, तो हिंदी में बात करने के लिए आपको सिंपल इस पर क्लिक करिएगा और हिंदी ट्रांसलेट हिंदी पे आ जाएगा। आप बात रही है कीवर्ड जो है वो, ये जो कीबोर्ड है वो कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको। आपको जाना है प्ले स्टोर पर, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाना है और जीबी बोर्ड करके लिखना है आपको, जीबी बोर्ड करके लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला व्हाट्सएप आ जाएगा, ठीक है ना। इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक, और इसी व्हाट्सएप में आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है तो मैं लिंक भी इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, जो जो व्हाट्सएप में, जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको इंस्टॉल करके और उससे अपने मनपसंद लैंग्वेज में टेक्स्ट कर सकते हैं और कोई टेक्स्ट भेज भी दिया तो उसको ट्रांसलेट करके पढ़ के फिर से आप अपने समझ से टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दैट सी टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।